फैमिली के साथ चिल करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक पॉइंट पे मेरा जब शो चालू हो जाएगा तो मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगी, मुझे वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज मैं सुम्बुल तौकीर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुम्बुल तौकीर का न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सुम्बुल तौकीर ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और जहाँ पे उन्होंने अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है। सुम्बुल ने कहा है कि मुझे पता है कि एक लीड एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है जब वो कोई शो कर रहे होते हैं, तो कि मैंने बैक टू बैक शोज़ किए हैं, मैंने इमली किया और ये एक्सपीरियंस मैं पहले कर चुकी हूँ, इमली किया, उसके बाद मैं बिग बॉस में थी, मैं बहुत बिज़ी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, और अब मैंने खुद के लिए टाइम चुना था, ये जो टाइम था जिसमें मैं काम नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं है मेरे पास प्रोजेक्ट्स की कमी थी, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन सब मैं इसलिए उसको नहीं उठा रही थी क्योंकि पहली बात तो मुझे क्वालिटी काम करना है, मुझे क्वालिटी कंटेंट देना है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी शो आए और उसको मैं फटाफट से उठा लूँ और कर लूँ, नहीं, मुझे जो करना है वो मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ, जो मैं नहीं करती हूँ वो भी मैं बहुत सोच समझ के नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई भी डिसीज़न लेने के पीछे एक कारण होता है और नहीं लेने के पीछे भी एक कारण होता है, तो इसलिए मैंने कुछ शोज़ को मना भी किया है। और अभी अगर मैंने कुछ चूज़ किया है, सुमुल ने ये भी बोला कि अभी अगर मैंने कुछ चूज़ किया है तो बड़ा सोच समझ के किया है और उसके पीछे भी कारण है, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया है। तो मैं आप सभी को, कुछ लोगों को पता लग चुका है, ऐसा सुमूल ने कहा कि कुछ लोगों को पता लग चुका है कि क्या होने वाला है और अब तो बस आपको नज़र ही आएगा, सब कुछ सामने ही आने वाला है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और सुमूल ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी अपनी लाइफ में, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर, फादर, शादी, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं लाइफ में बैक टू बैक, उन सबको मैं इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार मैंने फिर से शो ज्वाइन कर लिया, किसी भी शो का हिस्सा मैं बन गई, फिर मेरे को ये टाइम नहीं मिलेगा, फिर मैं इतना इंजॉय नहीं कर पाऊँगी, फिर मैं इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगी अपनों के साथ, तो इसीलिए मैंने ये टाइम चुना था जहाँ पे मुझे थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम मिले और मैं खुद को समझ पाऊँ, रिलैक्स कर पाऊँ, और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ वापस से आप सभी के सामने आने के लिए। तो सुमूल ने कुछ इस तरीके की बातें करी हैं, इशारों में उन्होंने बताया, हालांकि नाम रिवील नहीं किया है लेकिन नाम तो हमें पता ही है। और सुमूल उसी की बात कर रही थी जो हम बात कर रहे हैं आजकल, काव्या, जी हाँ, काव्या की ही बात कर रही थी कि काव्या आने वाला है, बस तो बस इंतज़ार करिए और इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है, तो सुमूल का शो आएगा और हम इंजॉय करने वाले हैं। चलिए आप बताइएगा अपनी राय, क्या आपको कहना है, कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।